हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं AI EEE 2005, ये पार्ट थ्री होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी दो पार्ट आ चुका है एंड बहुत टाइम के बाद मेरा वीडियो आ रहा है एंड ये वीडियो फिर से कंटिन्यू होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन तुम्हारे स्क्रीन के सामने। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक बात समझ लो। क्वेश्चन को देखने के बाद तुम्हें सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है। एंड मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं बहुत सारा अप्रोच बताऊंगा कि इस तरीके से भी सोचा जा सकता था, ये इन्फॉर्मेशन गिवन था इसलिए मैंने इस तरीके से सोचा। तो ये सब कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। एंड अगर तुम रिविजन पर्पज से आए हो तो हर चीज़, जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं जानते थे या फिर कुछ नया सीखा, उसको तुरंत नोट डाउन कर लेना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब तुम जेईई मेंस में बैठोगे एंड उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो तुमसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे एंड तुम बहुत बच्चों से आगे निकल जाओगे। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ा हमने एंड बोला गया है कि x इज इक्वल टू समेशन समथिंग, y इज इक्वल टू समेशन समथिंग, z इज इक्वल टू समेशन, वेयर a b c आर इन ए पी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमें पता चली कि ए बी सी ए पी में है, इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल चुका है, डेट इज 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये कंडीशन तो होगा ही एंड कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। देन हमें पता चला कि मॉड ऑफ ए इज लेस देन वन, मॉड ऑफ बी इज लेस देन वन, मॉड ऑफ सी इज लेस देन वन, देन एक्स वाई जेड आर इन ए पी जी पी वट एवर। ठीक है, अब पहले एक्स वाई जेड क्या है उसको देख लो। एक्स कुछ समेशन में है, उस समेशन को ओपन करके देखोगे तुम्हें बहुत ही प्यारा सा एक जी पी दिखने वाला है जो कि एक इन्फाइनाइट जी पी होगा। कैसे, एन की वैल्यू जीरो रखो, ए टू दी पावर जीरो वन, एन की वैल्यू वन रखो ए आ जाएगा, एन की वैल्यू टू रखो, एन की वैल्यू थ्री रखो, एन की वैल्यू फोर रखो एंड दिस 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 टिल इन्फिनिटी। अब देखो ये एक इन्फाइनाइट जी पी है इसीलिए वहाँ पे मॉड ऑफ ए इज लेस देन वन। ये कंडीशन याद रखना कि इन्फाइनाइट जी पी का सम तभी निकाला जा सकता है जब उसका कॉमन रेशियो का मॉडुलस लेस देन वन हो। तो इसीलिए यहाँ पे कॉमन रेशियो इज ए, इसलिए इसका मॉडुलस लेस देन वन है तभी तो ये समेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, सो अब समेशन होता क्या है हमें पता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ओके, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस a। अब मुझे क्लियरली दिख रहा होगा यार y भी उसी टर्म में लिखा हुआ है, z भी उसी टाइप से लिखा हुआ है, बस a की जगह b है एंड z में b की जगह c है। सो y विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस b, सिमिलरली z विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस c। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया ए बी सी आर इन ए पी, देन एक्स वाई जेड आर इन वट। मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चली है ए बी सी के टर्म में, मुझे ए बी सी की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में पता होती तो मैं ए बी सी पे ये कंडीशन लगा देता, उससे एक्स वाई जेड में एक कंडीशन आ जाता, उस कंडीशन से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते कि भाई वो ए पी जी पी एच पी क्या है। देख लो इसका मतलब हमें सॉल्व करना होगा एंड यहाँ से ए को एक्स के टर्म में लिखना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस ए की वैल्यू आ गई 1 डिवाइड बाय एक्स, सो ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन वाई, सी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन जेड। ओके, अब ए बी सी पे मुझे कंडीशन पता है, ए बी सी पे जब कंडीशन पता है तो आई कैन से 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सो 2 टाइम्स बी, बी इज 1 माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, सी इज 1 माइनस 1 अपॉन जेड। अब इस कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड में एक प्यारा सा कंडीशन आ जाएगा, दिस इज 2 माइनस 2 अपॉन वाई, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, वी हैव गॉट अ कंडीशन जो कि बहुत ही प्यारा सा है, 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। बहुत ही जाना माना प्यारा कंडीशन है, 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग, ये तीनों के तीनों ए पी में होने चाहिए। देयर फोर वी कैन से 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड आर इन ए पी। अच्छा, ये तीनों के तीनों ए पी में है तो मुझे एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स वाई जेड तो इन तीनों का रेसिप्रोकल है एंड वी नो एक्स वाई जेड आर इन एच पी। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा सब कुछ एंड कुछ भी नया सीखने को जरूर मिला होगा। चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोला गया देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी, एंगल सी इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल सी 90 है। तो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। ए के सामने वाला साइड इज ए, बी के सामने वाला साइड इज बी, सी के सामने वाला साइड इज सी, क्योंकि मुझे ए बी सी की जरूरत पड़ेगी। देन इफ स्मॉल आर इज द इन रेडियस एंड कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन टू टाइम्स स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी चाहिए मुझे। अब देखो यार, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर में एक सिंपल सा फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। एंड वो फार्मूला क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन एस, जहाँ पे डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये दो इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एंड नहीं पता है तो इसको याद कर लो। पहली बात तो स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, जहाँ पे डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। नाउ वी कैन सी कि भाई 2 times r + r चाहिए, 2 times delta upon s + 2 times abc upon 4 delta चाहिए मुझे। इसकी वैल्यू कितनी होगी देखना है। अच्छा, डेल्टा कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में डेल्टा विल बी इक्वल टू हाफ बेस हाइट ए बी। सो यहाँ से वैल्यू पुट करो, 2 times half ab upon s, s तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होगा, प्लस 2abc/4 × ½ × ab। ये आंसर हो जाना चाहिए था। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 2 से 2 गया, यहाँ से 2 से 2 गया, एक 2 इधर भी गया, मतलब गया कैंसल आउट हो गया, ए बी से ए बी भी गया। भाई ये तो प्यारा सा सी बन गया सिर्फ। अब ये बन गया 2, ऊपर जाएगा तो 2ab/a+b+c बन गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा हमें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आंसर इस फॉर्म में नहीं गिवन है। तो a प्लस बी प्लस सी एलसीएम ले लिया, ऊपर गया हमारे पास 2ab+c times a+c times b+c² ओके। सो यहाँ से c times a+c times b+c² आ गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन और यूज किया जा सकता है। मुझे 2ab दिख रहा है, यहाँ c स्क्वायर दिख रहा है। मैं एक चीज़ ध्यान से सोचूंगा कि भाई ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। यहाँ पे c स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² एंड अगर मैं सी स्क्वायर को a² + b² लिख दूंगा तो उससे मेरा लाइफ थोड़ा सा ईजी होगा। क्यों ईजी होगा, वो बन जाएगा a² + b² + 2ab, डेट इज a+b² प्लस, इन दोनों में c कॉमन है तो वहाँ भी a+b कॉमन। नीचे आ गया a+b+c। नाउ वी कैन सी कि a+b ओवरऑल कॉमन है ऊपर में न्यूमरेटर में। ब्रैकेट के अंदर गया a+b एंड इधर से c, नीचे भी ऑलरेडी a+b+c है। सो द फाइनल आंसर इज a+b। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। ये दो फार्मूला तो याद ही रख लो भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का है एंड बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। कॉस इन्वर्स ए माइनस कॉस इन्वर्स बी इज इक्वल टू अल्फा, देन समथिंग गिवन है। तो डायरेक्ट फार्मूला वी नो, कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई बाई टू इज इक्वल टू अल्फा। बस यहाँ फार्मूला लगाते टाइम याद रखना है कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि वाई बाई टू गिवन है। कॉस इन्वर्स एक्स माइनस कॉस इन्वर्स वाई होता है कॉस इन्वर्स एक्स इंटू वाई बाई टू प्लस साइन ए साइन बी, डेट इज 1 - x² × √1 - y/2² = y²/4। दिस इज इक्वल टू अल्फा।
सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कॉस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू अल्फा, तो दिस समथिंग विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा। तो अब दिस समथिंग है क्या, तो एक्स वाई बाई टू प्लस रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय फोर, रूट के बाहर आएगा तो वो टू बन जाएगा, इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब इस टू को हम लोग उठा के टू कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, सो रूट अंडर वन इंटू फोर इज फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई। अब क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और क्या ही कर सकते हैं। चलो देखो, यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो गया एंड दिस इज इक्वल टू फोर माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फोर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू टू फोर एक्स वाई कॉस अल्फा। सो यहाँ से किसी का कटता हुआ दिख रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ वी कैन सी जो चाहिए उसको हम लोग एक साइड में लिख सकते हैं, दैट इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको भी इधर लेके जाएंगे, ठीक है। सो ये आ गया फोर माइनस फोर कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। सो आंसर इज दिस, फोर इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, आंसर आ गया फोर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज द फाइनल आंसर। फोर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इज द फाइनल आंसर, डेट इज ऑप्शन नंबर थ्री। आई होप तुम्हें ईजी लग रहा होगा क्वेश्चन, एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार जेई मेंस में, एंड ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने का मेन मकसद ही यही है कि तुम सीख जाओ कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड उसको किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ट्राइंगल वंगल दिख रहा है, चलो। ओके, ट्राइंगल ए बी सी द ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टेक्स ए बी सी ऑन द अपोजिट साइड्स आर इन एच पी, देन साइन ए साइन बी साइन सी आर इन वट। सिंपल है, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, वी डोंट नो कौन सा ट्राइंगल है, इसलिए मैंने बोला कोई भी ट्राइंगल हो। यहाँ से ऑल्टीट्यूड आया एच वन, यहाँ से आया एच टू, उधर से आएगा एच थ्री, ये साइड हो गया ए, ये साइड हो गया बी, ये साइड हो गया सी। अगर इसी ट्राइंगल का एरिया देखा जाए, डेट इज डेल्टा, तो वो आता है हाफ इंटू ए टाइम्स एच वन। यहाँ से एच वन की वैल्यू आ जाएगी टू डेल्टा अपॉन ए। सिमिलरली यही डेल्टा हाफ इंटू बी इंटू एच टू भी होगा, सो यहाँ से एच टू की वैल्यू आ जाएगी टू डेल्टा अपॉन बी। यही एरिया हाफ इंटू सी इंटू एच थ्री भी होगा, सो वहाँ से एच थ्री की वैल्यू आ जाएगी टू डेल्टा अपॉन सी। इससे हमने क्या किया, साइड में एंड हाइट में एक रिलेशन निकाला। अच्छा, साइड एंड हाइट में रिलेशन निकाला, मुझे तो चाहिए साइन ए साइन बी साइन सी में। हाँ, अगर ए बी सी में रिलेशन आ गया तो साइन ए साइन बी साइन सी में रिलेशन आ गया, कैसे, वी नो फ्रॉम साइन रूल, ए इज इक्वल टू टू आर साइन ए, बी इज इक्वल टू टू आर साइन बी एंड सी इज इक्वल टू टू आर साइन सी, ठीक है। ये साइन रूल बोलता है, एंड साइन रूल याद रखना, कभी भी साइड को एंगल में कन्वर्ट करना है या एंगल को साइड में कन्वर्ट करना है तो साइन रूल यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ओके, अब वी नो एच वन एच टू एच थ्री आर इन एच पी। अच्छा, एच वन एच टू एच थ्री आर इन एच पी, इसका मतलब एच पी को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, उसको ए पी में कन्वर्ट करो, दिस आर इन ए पी, उनका रेसिप्रोकल ले लिया। नाउ वी कैन सी कि भाई ए अपॉन टू डेल्टा, ए अपॉन सॉरी बी अपॉन टू डेल्टा, सी अपॉन टू डेल्टा आर इन ए पी, इनका रेसिप्रोकल ले लिया ना। ओके, नाउ वी कैन सी टू डेल्टा टू डेल्टा टू डेल्टा, ये तो कांस्टेंट है सब में, ए पी को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से
कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो यहां से आई कैन से कि भाई ए बी सी आर इन ए पी। अच्छा, ए बी सी अगर ए पी में है तो ए को तो 2r साइन ए लिखा जा सकता है, बी को 2r साइन बी लिखा जा सकता है, सी को 2r साइन सी लिखा जा सकता है, ये भी ए पी में होंगे। इसका मतलब 2r 2r से डिवाइड कर दो तो साइन ए साइन बी साइन सी भी ए पी में होंगे। वाओ, क्या सही चीज़ है ना, टू साइन ए साइन बी साइन सी आर इन ए पी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए भाई साहब। ये क्वेश्चन देखने में तो उन्होंने खतरनाक बनाया था, लेकिन जो बनाना चाहते थे उस लेवल का बना नहीं पाइए। एंड चार पता नहीं क्यों दिया, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर, एंड कंपेरिजन ऑब्वियस ही बात है एक ही सही होगा कोई। एंड यहाँ से क्लियरली दिख रहा है आई थ्री आई फोर के बराबर नहीं हो सकता है, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स क्यूब है, वन से टू में ही कर रहे हो, तो दिस एरियाज आर नॉट इक्वल, तो सी ऑप्शन तो ऑलरेडी कट हो गया। आई वन आई टू में दो दो ऑप्शन है, वो भी इनइक्वालिटी में, तो सबसे पहले आई वन आई टू को ही चेक कर लेंगे। जीरो से वन दोनों का लिमिट है, जीरो से वन, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है। अब देखना भाई, जीरो से वन में इन जीरो टू वन एक्स स्क्वायर इज सॉरी देखो जीरो से वन में पावर जितना बढ़ाओगे वैल्यू उतना कम होगी, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, जीरो से वन में ये होगा। अब सब में टू पावर ले रहे हैं, तो टू एक बेस है, बेस टू वन से बड़ा है, जब बेस वन से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग है, जब इंक्रीजिंग है टू टू द पावर समथिंग, तो डायरेक्टली बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए इसको अप्लाई कर सकते हैं। टू टू द पावर एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन टू टू द पावर एक्स क्यूब जीरो से वन में, तो इनका इंटीग्रल जीरो टू वन में किया जा सकता है, एंड इनइक्वालिटी में इंटीग्रेशन किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ से क्लियरली वी कैन सी आई वन विल बी ग्रेटर देन आई टू, आई वन विल बी ग्रेटर देन आई टू, ऑप्शन नंबर टू राइट हो चुका है हमारा, ऑप्शन नंबर वन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर चेक करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर चेक करना ही चाहते हो तो यू कैन सी वन से टू में, वन से टू में एक्स क्यूब विल बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, सो टू टू द पावर एक्स क्यूब विल बी ग्रेटर देन टू टू द पावर एक्स स्क्वायर, दैट इज आई फोर विल बी ग्रेटर देन आई थ्री, ठीक है। सो यहाँ उल्टा गिवन था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है, एंड एरिया कुछ अलग तरीके से निकलवाया गया है, एक ही कर दिया है। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व दिस एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले तो ये जो कर्व है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ से बनाना चाहिए, y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ वी नो, ऐसा कुछ होता है। हमने x के जगह क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है x प्लस ई, दिस मीन्स अब ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, तो यू विल से कि ये जो ग्राफ है सेम रहेगा, ये y एक्सिस होगा, x इज इक्वल टू माइनस ई से नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसे कट करेगा। जब x इज इक्वल टू जीरो डालोगे, x इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो ये एल एन ई बन जाएगा, डेट इज वन। अब ये एल एन एक्स प्लस ई को जीरो डालोगे तो देख लो क्या होने वाला है, इसका मतलब x प्लस ई वन होने वाला है, डेट इज x इज इक्वल टू वन माइनस ई होने वाला है। ओके, अब मुझे एरिया जो निकालना है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दिस कर्व, डेट इज ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये कर्व मुझे पता है ऑलरेडी, तो ये तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है। एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन वन माइनस ई से स्टार्ट करेंगे एंड कहाँ तक जाएंगे, जीरो तक, एक्स इज इक्वल टू वन माइनस ई से एक्स इज इक्वल टू जीरो तक। किस कर्व का इंटीग्रेशन करना है, एल एन ऑफ एक्स प्लस ई का, बस यही आंसर होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन एल एन एक्स याद करवाया जाता है बहुत ही अच्छे से, एक्स टाइम्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी,
बस एक्स के जगह एक्स प्लस ई है, सो एक्स प्लस ई ln ऑफ एक्स प्लस ई माइनस वन। एक्स का कोएफिशिएंट वन है तो डिवाइड वन से होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन माइनस ई से जीरो। ओके, सो अब इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो ये आएगा ई टाइम्स ln ई, ln ई इज वन, वन माइनस वन जीरो, तो पहले में जीरो, माइनस वन माइनस ई डालोगे तो वन माइनस ई प्लस ई इज वन, तो ये तो खत्म हो गया, वन मल्टीप्लाइड बाय ln वन, ln वन तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन, दिस इज माइनस माइनस प्लस, एरिया इज वन, एरिया इज वन, सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एरिया अंडर द कर्व का ही है। देखो पुराने क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन आते थे, एंड बहुत सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर्स के आते थे, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके। बोला कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स विच इज द स्टैंडर्ड वन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई ये भी स्टैंडर्ड वन है, डिवाइड द स्क्वायर रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू फोर एंड वाई इज इक्वल टू फोर एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन थ्री पार्ट एस वन एस टू एस थ्री, दीज आर रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ द पार्ट नंबर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके देन एस वन एस टू एस टू एस टू एस थ्री इज वट, सिंपल एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। चलो देखो अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो तुम्हें डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक पैराबोला विल बी लाइक दिस, दूसरा वाला पैराबोला इस तरीके का होगा, एंड ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे होंगे, वी नो 4,4 दोनों पे है, 0,0 दोनों पे है। अब यही बोला है कि ये जो स्क्वायर रीजन है इस रीजन को थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एस वन ये वाला पार्ट है, एस टू ये वाला पार्ट है, एस थ्री ये वाला पार्ट है, तो इन तीनों एरिया का रेशियो बताओ। वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ये है। अब देखो एरिया फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली बात है करना तो पड़ेगा, तो सबसे पहले ये बीच वाला ही एरिया निकाल लेते हैं। बीच वाला एरिया मुझे क्लियरली दिख रहा है और हर चीज सिमेट्रिक है, तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन टू पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये वाला एरिया निकाल लूं मैं, इसका दो गुना कर दूंगा तो अपने आप ये वाला भी ओवरऑल एरिया आ जाएगा, डेट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स, एंड ये वाला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर वाई, ठीक है। सो अभी देखो रूट उठ क्यों लेना, मैं ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ, लेट से ये वाला, तो मैं बोलूँगा जीरो से फोर इंटीग्रेशन जीरो से फोर है ना, यहाँ से यहाँ y up इज x माइनस y डाउन इज x स्क्वायर बाय फोर, ये इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ये आ गया x स्क्वायर बाय टू माइनस x क्यूब बाय थ्री। अब इसमें लिमिट डाल दो जीरो से फोर, जीरो डालने का कोई फायदा नहीं है, फोर स्क्वायर सिक्सटीन बाई टू माइनस फोर क्यूब सिक्सटीन इंटू फोर बाई ट्वेल्व चार तीन, तो आंसर आ रहा है सिक्सटीन बाई टू माइनस सिक्सटीन बाई थ्री, सो यहाँ से अल्टीमेटली ये आ गया सिक्स टू। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एट माइनस सिक्सटीन बाई थ्री सो आठ इंटू तीन चौबीस माइनस सिक्सटीन बाई थ्री डेट इज एट बाई थ्री। ओके एट बाई थ्री आया ये वाला एरिया, एट बाई थ्री आया हाफ एरिया, तो एस टू की वैल्यू कितनी आ गई, दो गुना एट बाई थ्री डेट इज सिक्सटीन बाई थ्री। अब मुझे इतना क्लियर पता है कि यार एस वन एंड एस थ्री वाला एरिया सेम ही होगा, कुछ भी हो जाए लेकिन एस वन एस थ्री वाला एरिया सेम ही होगा, तो मैं एक काम करता हूँ S3 वाला एरिया निकाल लेता हूँ, जो कि मुझे निकालना इजी है। क्यों निकालना इजी है, क्योंकि वी नो दिस फंक्शन। सो इंटीग्रेशन y डेट इज x स्क्वायर बाय फोर डी एक्स जीरो से फोर, सिंपल। सो ये आ गया x क्यूब बाय थ्री डेट इज ट्वेल्व जीरो से फोर, तो ये अल्टीमेटली आ रहा है फोर इंटू फोर सिक्सटीन इंटू फोर बाय ट्वेल्व फोर थ्री जा, डेट इज ये भी सिक्सटीन बाय थ्री आ गया। इसका मतलब S1 वन इज इक्वल टू एस थ्री इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई थ्री आ गया, एंड दिस इज सेम एज S2,
इसका मतलब इन तीनों का रेशियो जो होगा वो 1:1:1 आ गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं, इस चीज़ को याद भी रख सकते हैं कि अगर मेरे पास एक पैराबोला हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, दिस मीन्स ये जो स्क्वायर बना इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है इससे, ठीक है, ताकि इस रिजल्ट को हम लोग डायरेक्टली कहीं भी यूज कर पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का दिख रहा है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इज लॉग वाई बाई एक्स प्लस 1, एंड यहां भी इस x को डिवाइड कर देंगे तो ये y बाई एक्स है। तो क्लियर इंडिकेशन है किस चीज को होमोजीनियस फॉर्म है, डेट इज y बाई एक्स तुम्हें हर जगह दिख रहा होगा। सो y बाई एक्स को v ले लो, डेट इज y इज इक्वल टू वी एक्स ले लो, सो यहां से dy वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। dy बाई डी एक्स को लिखोगे v मल्टीप्लाइड बाई लॉग v प्लस 1 इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। यहां से ये आ गया v मल्टीप्लाइड बाई लॉग v प्लस v इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। वी से v कैंसल आउट हो गया, सो यहां से v मल्टीप्लाइड बाई लॉग v इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। सो आई कैन से डी एक्स अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू डी वी अपॉन वी लॉग वी, इंटीग्रेट डी एक्स, इधर से भी ln x आएगा, एंड इधर से दिख रहा है मुझे log v को कुछ t लेंगे, log v को कुछ t लेंगे तो 1 अपॉन v डी वी इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ये डी टी हो जाएगा, ये t हो जाएगा, डी टी अपॉन t ln t होगा, ln t टी के जगह log v प्लस c, c के जगह log c ले लो, तो ln x c इज इक्वल टू ln log v आ गया। सो log v विल बी इक्वल टू xc, मैंने xc इधर क्यों लिया, क्योंकि मुझे सारे ऑप्शन में xc टाइप कुछ दिख रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने वो लिया। सो यहां से इट इज क्लियर log ऑफ v क्या था y बाई एक्स इज इक्वल टू xc, log ऑफ v डेट इज y बाई एक्स इज इक्वल टू xc, log ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल टू xc, ऑप्शन नंबर 3 मुझे दिख रहा है क्लियर। बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन था, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। अब एक लाइन है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब उसका स्लोप 0 होगा, एंड वो लाइन जो है पास कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन्स। तो ये कहीं ना कहीं एक फैमिली ऑफ लाइन्स के कॉन्सेप्ट में सिखाया गया है कि एक ऐसा लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, सो उस लाइन को एल वन प्लस लैम्डा एल टू इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो एल वन दैट इज ए एक्स प्लस 2by प्लस 3b प्लस लैम्डा टाइम्स एल टू डेट इज बी एक्स माइनस 2ay माइनस 3a इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में उस लाइन को लिखा जा सकता है। अब इस लाइन का स्लोप 0 होना चाहिए। ओके, सो स्लोप 0 कर देते हैं। स्लोप निकालने के लिए x के कोएफिशिएंट को a प्लस बी लैम्डा x, y के कोएफिशिएंट को डेट इज 2b माइनस 2a लैम्डा y प्लस कॉन्स्टेंट इज 3b माइनस 3a लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये अपना लाइन है, अब इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी लैम्डा डिवाइड बाय 2b माइनस 2a लैम्डा, दिस इज इक्वल टू स्लोप, एंड ये स्लोप 0 होना चाहिए क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ही स्लोप को 0 करेंगे, a अपॉन b 0 है, a अपॉन b 0 तब होगा जब हमारा a 0 होगा, डेट इज a प्लस बी लैम्डा को
जीरो होना पड़ेगा, डेट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी होना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी होना पड़ेगा। एट द सेम टाइम टू बी माइनस टू ए लैम्डा जीरो कब हो रहा है वो भी चेक कर लो, डेट इज़ बी इज इक्वल टू ए लैम्डा, डेट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई ए होने पे हो जा रहा है ये जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई ए होने पे जीरो हो रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई ए आया नहीं, माइनस ए बाई बी आया हमारा, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी आया। सो अब हमें वो लाइन निकालना है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन दिस 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 इज बिलो द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब वो लाइन पहले फाइंड आउट करना है, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ए बाई बी, तो वैल्यू पुट करेंगे भाई यार ये तो बहुत ही सरदर्द है, ओके कर लेंगे क्या ही कर सकते हैं, ए प्लस बी तो माइनस बी टाइम्स ए बाय बी, दैट इज ये तो जीरो आ गया, एक्स का कोएफिशिएंट जीरो आ गया, देन टू बी माइनस 2a टाइम्स माइनस माइनस प्लस a बाई बी, ये y का कोएफिशिएंट है, ओके प्लस, तो ये y का कोएफिशिएंट जो उसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, 2b प्लस 2a स्क्वायर बाई बी इन टू वाई, ओके अब ये जो है 3b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस ए बाई बी, डेट इज 3b प्लस 3a स्क्वायर बाई बी कॉन्स्टेंट है, सो आवर लाइन इज 2b प्लस 2a स्क्वायर बाई बी टाइम्स y प्लस 3b प्लस 3a स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू जीरो, सो यहाँ से दिस इज 2 टाइम्स b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर इन टू वाई प्लस 3 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सो ये अल्टीमेटली आ रहा है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू वाई प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 2 टाइम्स वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, डेट इज वाई इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, हमारा जो लाइन आया वो आया y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 लाइन कुछ इधर होने वाला है, सो आंसर आ गया बिलो द x एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 बाई 2 फ्रॉम इट, बिलो द x डिस्टेंस ऑफ 2 बाई 3, बिलो द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 बाई 2, एबव एबव तो है नहीं, बिलो है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जेई मेन्स क्या जेई एडवांस में भी पूछा जा सकता था, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये, सो तुम्हें बस सॉल्व करने आ गया एंड यही सीखना है हमें। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ए ओ डी का है, ए ओ डी क्वेश्चन रीड करते हैं, स्फेरिकल आयरन बॉल 10 सेंटीमीटर इन रेडियस इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, एक बॉल होगा उसके ऊपर आइस है एंड यूनिफॉर्म थिकनेस का है, ठीक है, ये लेट से आइस है, ये रेडियस 10 है एंड लेट से वो जो आइस का थिकनेस है वो एक्स है, डेट मीन्स एट ए रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर, ये जो डीवी अपॉन डीटी है इसका, डीवी अपॉन डीटी वो गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट में, ओके आंसर भी सेंटीमीटर पर मिनट में है तो यूनिट हमें टेंशन नहीं है, वेन द थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 सेंटीमीटर, एक टाइम आया जब थिकनेस ऑफ द आइस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा सर्कल का ये जो स्फीयर है एक तरीके से हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं इतना बड़ा स्फीयर था वो मेल्ट हो रहा है बाहर से, तो एक टाइम आया जब इसका रेडियस 5 है तो मतलब इस स्फीयर का रेडियस 15 है, उस टाइम पे थिकनेस ऑफ द आइस का रेट क्या था, तो वॉल्यूम को हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली लेके काम चला सकते हैं ना कि 10 प्लस एक्स लेके, तो यहाँ से आई कैन से डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 3, 4/3 है,
आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, थ्री से थ्री कट गया, सो यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। मुझे डी आर अपॉन डी टी चाहिए व्हेन आर इज इक्वल टू 15 है। डी वी अपॉन डी टी हमें पता है, डेट इज 50 फोर पाई आर स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। खत्म क्वेश्चन। सो डी आर अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 15 फोर पाए 5 3 25 5 3 5। सो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 36 पाई। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। दिस इज नॉट 25, है ना। 5 3 15 5 10 50 5 3 15 5 2 2 2 3 into 3 9 into 2 18 1 upon 18 pi सेंटीमीटर पर मिनट इज द आंसर। 1 upon 18 pi सेंटीमीटर पर मिनट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट है। तो हमने टोटल 10 क्वेश्चन करे, 10 क्वेश्चन किया हमने एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके आगे जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो होगा कैलकुलस का। तो अगला वाला जो पार्ट होगा उसमें कैलकुलस के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि एक इंटीग्रेशन आएगा, वो इतना प्यारा सा इंटीग्रेशन, हाँ जस्ट आ ही गया 41 क्वेश्चन में, तो तुम्हें पता चलेगा यार बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड तुम्हें रिवीजन करने को मिल रहा है। तो चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।